पेट्रोल महंगा हो गया, गैस भी महंगी, कड़वा तेल भी महंगा। तो उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में भी महंगाई बढ़ती जा रही है और जो घरेलू उत्पाद है उनमें लगातार महंगाई हो रही है, उनके दामों में वृद्धि हो रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसके? महंगाई के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश की जनता अपना माइंड बदल ले, अपने दिमाग को वास कर ले, नहीं हम लोगों को हमेशा इसी तरह की ठोकरें खाती रहना पड़ेगा। जब तक भाजपा सरकार रहेगी हम सबको इसी तरह झेलना पड़ेगा। इसलिए बस हम आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं बूथ कमेटी की तरफ से कि जो है अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है जाग जाए और अब ना सोए। इस बार एक महिला हैं आप, घरेलू सिलेंडरों का जो दाम है उसमें लगातार उछाल आ रहा है, तो कैसे मैनेज करते हैं? हमारी सारी बहनें बता रही हैं, वो आपको भी मालूम है कि जब पेट्रोल महंगा हो गया तो गैस भी महंगी और जो है सिलेंडर भी महंगा, हर चीज़ कड़वा तेल भी महंगा, कोई चीज़ नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई करा के हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं वो। आपसे जानेंगे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार ने तो कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। हम शबनम खान, पूर्व नगर उपाध्यक्ष, महिला सभा, हम ये देख रहे हैं, हम लोग बराबर महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये बराबर गैस के दाम, तेल के दाम, कड़वा तेल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी, बराबर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अरे कुछ तो करो, लोगों को खाली तो जुमलेबाजी करते हो, काम करो, काम काम बोलता है, जैसे अखिलेश भैया का बोला है। आज देखिए इसी काम के दम पे मिशन 2022 के तहत अखिलेश भैया को दोबारा सीएम बनाएंगे और हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली की राबिया में का बलात्कार हुआ, हत्याकांड, हथरस का हत्याकांड, गैंगरेप हुआ, उन सब का देखिए आज योगी और राज उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया। राजधानी में जनवादि क्रांति यात्रा भी निकल पहुंच चुकी है और हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनकी यात्रा अब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके अंदर उत्साह नज़र आ रहा है। साफ तौर पर ये लोग जिस तरीके से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ की रैली निकाली गई उसको लेकर जो आज राजधानी में इस रैली का समापन होना है, साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह देखने को आपको मिल सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।